हाय गाइस, सो आज का व्लॉग मैंने काफी जल्दी शुरू किया है। अभी बज रहे हैं सुबह के अप्रोक्स 6:30। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जाती हूँ बालकनी एंड मौसम का मजा लेती हूँ, क्योंकि आजकल सुबह सुबह काफी अच्छा वेदर हो रहा है, हर दिन ही बारिश हो रही है। इस मौसम में सुबह के टाइम लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत दिल करता है। सो आज था वीकेंड तो हमने सोचा आज चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। सो यहाँ मैंने निकाल लिए थे अपने और अंकुर के लिए कपड़े। सो अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये कपड़े शॉपिंग चैलेंज में लिए थे एक दूसरे के लिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। उस वीडियो का थोड़ा पोर्शन मुझे आज शूट करना था। सो ड्राइव पे निकलने से पहले हमने सोचा नीचे लॉन में जाके थोड़ा शूट कर लेते हैं एंड देन फटाफट से निकल जाएंगे लॉन्ग ड्राइव के लिए। और हम आज बहुत ही एक अमेजिंग सी जगह पे जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ये जगह दिल्ली गुड़गांव से काफी पास है, सो आप ब्रेकफास्ट करके वापस भी आ सकते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. So title देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और हम सुबह सुबह निकले हैं। हमें जाके करना है ब्रेकफास्ट इन मैकडॉनल्ड्स। सो इस मैकडॉनल्ड्स की एक खासियत है दैट इट इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। सो सुबह हम लोग निकल चुके हैं एंड अराउंड 1.5 आवर लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। सो लेट्स एंजॉय द जर्नी। आप लोगों को थोड़ा हमारा व्यू दिखाती हूँ। हम लोग बहुत अच्छे रास्ते से जा रहे हैं। दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे लिया है अभी एंड आगे आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। खूबसूरत रोड्स और नजारा देखकर एक बार उतरना तो बनता है। बारिश की वजह से नजारा कुछ ज्यादा ही अच्छा था। काले बादल, लश ग्रीन फार्म्स और ये सुंदर रोड्स। मैं और अंकुर यही बात कर रहे थे, जहां इस टाइम रोज हम दिल्ली के ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं, आज ऐसे सुंदर व्यू के साथ इतनी अच्छी स्मूथ रोड्स विदाउट ट्रैफिक चलाने का तो मजा ही अलग है। आज की ड्राइव हमें बहुत थेरेप्यूटिक लग रही है। बाकी दिन तो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में ही पूरी जर्नी गुजरती है। गाइस, मैं एक बार फिर गाड़ी से उतर गई क्योंकि आई सॉ काश फूल। आपकी लैंग्वेज में इनको क्या कहा जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैंपस की जगह पे ले सकते हैं, पर कितने टाइम तक रहेगा पता नहीं। ये काश फूल ऑटम सीजन में ही उगता है। काश फूल आते ही लगता है बंगाली फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। गाइस, ड्राइव करते करते हमें दिख गया है अरावली माउंटेन्स। बारिश में अलग ही खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़। सो हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन एंड नाउ आई एम सुपर हंग्री। गाइस, हम पहुंच गए हैं मैकडॉनल्ड्स। ये मैकडॉनल्ड्स कितनी सुंदर जगह पर लोकेटेड है, सराउंडेड बाय अरावली हिल्स एंड दिस इज द पार्किंग एरिया। हमने जिस टाइम एंट्री करी थी, पार्किंग ऑलमोस्ट खाली था और हमें ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे थे, बट जब हम मैकडॉनल्ड्स से निकले ब्रेकफास्ट करके, तब नजारा कुछ डिफरेंट ही था। बट जो भी बोलो, इससे सुंदर मैकडॉनल्ड्स मैंने आज तक नहीं देखा। यूजुअली मैकडॉनल्ड्स मॉल्स या फूड कोर्ट में ही देखते हैं, लेकिन इतने सुंदर अरावली हिल्स के सामने इतना पिक्चर परफेक्ट मैकडॉनल्ड्स तो कभी नहीं देखा मैंने। Let's go.
चलो लेट्स गो इनसाइड नाउ। इस मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट मेन्यू अवेलेबल था। ब्रेकफास्ट मेन्यू की टाइमिंग थी 8 AM to 11 AM। सो अगर आपको यहाँ का ब्रेकफास्ट खाना है तो आपको इसी टाइम स्लॉट में आना है। दे हैव अ टोटल डिफरेंट मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने तो कभी यहाँ का ब्रेकफास्ट मेन्यू ट्राई नहीं किया, सो एक्साइटेड फॉर दैट। और हमने यहाँ पे अपने लिए एक अच्छी सीट देख ली जहाँ से हम डायरेक्टली अरावली हिल्स देख सकते हैं। अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए, ये मैकडॉनल्ड्स काफी स्पेशियस था एंड द माउंटेन व्यू वॉज डेफिनेटली द USP ऑफ दिस प्लेस। चलो हो गया ऑर्डर प्लेस, अपना नंबर लेके बैठ जाते हैं अपनी सीट पर, खाना वहीं पर सर्व हो जाएगा। सो आ गया हमारा खाना फ्रॉम द ब्रेकफास्ट मेन्यू। सबसे पहले मैंने लिया है कैपेचिनो। मौसम थोड़ा ठंडा था और गले में थोड़ी खराश थी तो हॉट बेवरेज ही लिया। साथ में मैंने ऑर्डर किया था सॉसेज विद एग मैक मफिन। लेट मी सी अंकुर ने क्या लिया। आई थिंक ही गॉट द सेम थिंग, लेकिन साथ में उसने लिया है फ्रैपे विद आइसक्रीम। आई लव मैकडॉनल्ड्स का फ्रैपे। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक फ्यू सिप्स फ्रॉम दिस। नेक्स्ट आई गॉट दिस वेज पिज्जा मैक पफ। दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट, मुझे ये खाने में बहुत मजा आता है। और अंकुर ने लिया था हैश ब्राउन फ्रॉम द ब्रेकफास्ट मेन्यू। सो ये था हमारा ऑर्डर एंड लेट्स जस्ट डिग इन। Guys, I did not like this mac muffin. इसके अंदर था chicken sausage का patty, egg and cheese and the buns were very hard. तो मुझे तो personally पसंद नहीं आया. But I love this cappuccino and rest of the things were very nice, especially the hash brown. Overall breakfast experience काफी अच्छा था. वैसे McDonald's आना नहीं होता है, but because of the Aravali view we came here. ये जगह मैं आपको सुबह के टाइम ही रेकमेंड करूंगी क्योंकि जब हम निकल रहे थे भीड़ काफी बढ़ गई थी। सो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं। ये हमारे घर से अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर था, 1.5 आवर लगा एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेस। अगर आपको वीकेंड्स पे कहीं आना है लॉन्ग ड्राइव पे, ये एक अच्छी जगह है, आप 2-2.5 घंटे में वापस भी जा सकते हो। तो हाउ वाज योर ड्राइव अंकुर? यार ये बहुत सही था, मौसम इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा रोड बना हुआ है, वेदर इतना अच्छा है और देयर से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर, 1.5 आवर का ड्राइव है। एंड अंकुर के पीछे इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, अंकुर कैमरा में इतना अच्छा कैप्चर हो रहा है, पीछे पूरा अरावली हिल्स है। ऐसे रोड पे ड्राइव करने का मजा ही अलग होता है यार। एंड वेदर सपोर्टेड अस, बीच बीच में बारिश हुई और इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई कि हमें प्रॉब्लम हो रही हो, पूरा अच्छे से। इतना अच्छा वेदर है, मतलब ये वेदर की वजह से इतना ज्यादा मजा। वैसे हमारा प्लान ही इसलिए अचानक से बना कि वेदर इतना अच्छा है, आजकल सुबह रोज बारिश हो रही थी एंड वी वर होपिंग। वैसे हमारा कल से ही प्लान था कि आज लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और क्या, इट वाज वेरी नाइस। अभी चलते हैं घर। गाइस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और जो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं उनके लिए ये अच्छा गेट अवे है। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेचर ब्यूटी को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा मैकडॉनल्ड्स, जिंदगी का सबसे अच्छा मैकडॉनल्ड्स मैं आज गई हूँ। खाने को लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, यूजुअल खाना है, बट द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम देयर इज अमेजिंग। सो गाइज अगले ब्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। बोलो अंकुर। ओके अंकुर इज बिजी ड्राइविंग आर। हाँ आप ड्राइव कर रहे हो, आराम से करो, ज़्यादा इधर उधर मत करो फोन के साथ। सो बाय, take care.